नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। जैसा कि आप सभी को बताया कि जो नेट में चल रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला हाईलाइट हो चुका है। दो बड़ी अपडेट आपके लिए निकल के आई हैं। एक तो आरटीआई लगाई गई है भाई, आरटीआई का क्या रिप्लाई आएगा, क्या जो इसमें पूछा क्या गया मेन चीज़ वो है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक जो अपडेट है वो एक जो सांसद हैं उनके द्वारा दी गई है। देखिए पहले ये देखिए आप इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब ये आरटीआई लगाई गई है 19/7/2022 को, मतलब अभी लगाई गई, विवेक पांडे सर की तरफ से लगाई, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी उनके, ठीक है। उनको क्या पूछा गया है, उनको दो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि भाई ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आप हमें आरटीआई में रिप्लाई दो। क्या क्या है, प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबो मेंशन रिप्रेजेंटेशन, एनटीए हैज़ टेकन एनी डिसीजन टू टेक नीट यूजी ट्वाइस ए ईयर और इन मल्टीपल सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए मतलब प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ मीटिंग हेल्ड ऑन नीट यूजी ट्वाइस इन ए ईयर। तो यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो मीटिंग हुई है और मतलब आगे एनटीए इसमें क्या करने वाला है उसको लेके ये जो आरटीआई है वो लगाई गई है। इसमें आरटीआई में क्या रिप्लाई आता है वो चीज़ तो देखो 15 दिन बाद में ही पता चलेगी। 15 दिन बाद में ये पता चल जाएगा कि भाई एनटीए क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। हालांकि हो सकता है जो अभी इतना जो मामला हाईलाइट है अगर ऐसा ही आगे रहा मतलब आने वाले 2-4 दिन में, तो हो सकता है एनटीए पहले भी इस चीज़ का रिप्लाई दे दे कि भाई हम दो अटैम्प्ट है वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले। इसके अलावा दूसरी जो अपडेट है वो क्या है वो देखिए। दूसरी अपडेट ये है, शायद आपने देख भी ली होगी कि भी जो हनुमान बैनेवाल हैं वो मनसुख मांडविया जी से मिले हैं। किस लिए मिले हैं, हनुमान बैनेवाल ने नीट परीक्षा दोबारा करने की आवाज़ उठाई है, गड़बड़ी की जांच भी की, यहाँ पे भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे उठाई है। हनुमान बैनेवाल कौन है, ये सांसद हैं भाई नागौर से, राजस्थान से, ठीक है। इन्होंने ये आवाज़ उठाई है और क्यों, किस लिए उठाई है, क्योंकि जो मतलब इनका एक जो मतलब स्कूल है नागौर में कोई, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ गड़बड़ हुई थी एग्ज़ाम के टाइम में, मतलब जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का दे दिया गया था, तो उस एक स्कूल का एग्ज़ाम फिर से करवाने की यहाँ पे मांग इन्होंने उठाई है।